लोग रोजाना 10-15 लोग मतलब क्या रक्तदान कर रहे हैं, माने घर का खुश हो जाएगा। तो जिंदगी में पहली बार कोई चोखो काम कर रहे हैं। आगे सबकी पोस्ट देखी तो देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। 3 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है टाबरिया। कहे तो ग्रुप से खुद ही कोई आदमी बोल जाए भाई सब चल जाऊंगे, मेरा ग्रुप ओ है। एक मैसेज के मात्र से ही मदद करने के लिए 100 से ऊपर लोग तैयार है। राम राम सा, मैं मनोज थेदेगिरे जिलको चूरू, फिलहाल चूरू मौजूद हूँ। चूरू के जिला मुख्यालय में है रक्तदान की जी की आवश्यकता है, मैंने पूरी करने खातिर एक टीम है और टीम की कुछ काम कर रही है, कितना दिनों काम कर रही है बातचीत करके देखांगा। जड़ा की रक्त की जी की आपूर्ति है जिले के अंदर, बाकी कुछ हो रही है और क्यों वो जज्बो है कायम हो एक युवा में। बाकी चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइयो ताकि आगे जो वीडियो में नोटिफिकेशन थाने मिल सके। जिका व्यक्ति या मुहिम है चलाई बासा बातचीत करके देखांगा। भाई साहब रक्तदान है जिको बड़ी उपलब्धि माने जा, जरूरत भी माने जावे, आ टीम बनाई थे क्यों और क्या शुरुआत है जी की ये टीम की क्रीज की? करीब 3 साल पहले की बात है, कोई मारकन है मेरे कने एक कोई मोहल्ला को आदमी आयो, वो बोलो मैंने रक्त की आवश्यकता है, मैं ब्लड बैंक में फोन करियो तो ब्लड बैंक आ रहा बोलिया कि साहब ब्लड ग्रुप जो ये पॉजिटिव है मारकनाथ को नहीं, अरे कुदरती मेरो ब्लड ग्रुप भी ये पॉजिटिव हो तो मैं देना पूछ गयो बड़े देना जब मैं पूछो तो बठे जी को लेनी है वो मैंने आ बताई कि मैंने 3 यूनिट चाहिए, तो मैं तो एक आदमी एकलो एक यूनिट ही देश को, तो वो मेरे से निवेदन करियो तो मैं सोशल मीडिया पे फेसबुक पर पोस्ट लगा दी कि चूरू भर्ती अस्पताल में 3 यूनिट ए पॉजिटिव की जरूरत है। वह पोस्ट देख के मेरा बहुत सारा जो फेसबुक मित्र है साथी है वह भी मैं कमेंट करियो कि ए पॉजिटिव मारो है, कोई कहो बी पॉजिटिव मारो है, या करता करता 200-250 कमेंट आया है। तो मैं बम से 3 जो ए पॉजिटिव है बने छांट के फ़ोन करियो तो वे अनजान लोगों के लिए 3 जना बम हमारे एक विक्रम जी प्रजापत आए एक वाहिद हो वह तीनों ब्लड दिया यार मेरे को काम हो गयो। जब मन यहाँ लगी कि यार आपा सोशल मीडिया पर नकारात्मक चीज़ा लिखा पार्टीबाजी लिखा कम से कम आपा ये चौखे काम में लगावा, तो मैं फेसबुक पर पोस्ट लगाई कि चूरू में ब्लड की कमी रहे तो आपा लोग कोई ग्रुप बना लिया, तो बहुत सारा लोग हैं वहाँ पॉजिटिव कमेंट बाजी करिए भी कमाने, तो मनना बढ़िया लगे। मैं चूरू हेल्पलाइन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तो चूरू में सबसे पहले हमारा युवा साथी है सचिन जी जांगिड़ जुड़िया, आसिफ जी टिप्पू जुड़िया, शुभम जी मोटे का है, 4-5 जना मैं जुड़िया जब मानना किए कि 5 दिन में तो बढ़िया रिस्पॉन्स मिले कि मारो ग्रुप है वो 250 भर गया, तो फिर और लोग भी जुड़े फिर मन फोन कर लगे भाई साहब मानना भी ग्रुप में जोड़ो, मैं 2 ग्रुप बनाया 3 बनाया करता करता सिलसिलो बढ़ते गयो। अब लोग किएगा हजारों लोग मार से जुड़ गया, करता करता मैं चूरू से बीकानेर सीकर अपने नवलगढ़ रिजा अपने झुंझुनू और अपने जोधपुर बीकानेर जयपुर मतलब लोगों ने बड़ मारो कारवो बढ़ तो गयो, बड़ा माना आनंद आया कि भाई एक सोशल मीडिया के ऊपर मारे इतना साथी जुड़ गया, मैं लोगों की मदद करता रहा आज तक वो सिलसिलो चालू है। टीम को विस्तार होते गयो, मान लो को दुर्लभ रक्त हो ओ नेगेटिव बी नेगेटिव यहाँ की डिमांड आ जाए कि चूरू भर्ती अस्पताल में 5 यूनिट की जरूरत है, मान लो मार्कन डोनर उपलब्ध नहीं हो या मैं सारा ग्रुप में डाला किशोर जी का भी आदमी जावे, हमारा कारो धीरे धीरे बढ़ते गयो। चूरू ब्लड बैंक की हालत है कोरोना काल के अंदर जहाँ जड़े मतलब पूरे देश में रक्त की कमी रही, हमारे चूरू के अंदर आप ब्लड बैंक के प्रभारियों से फ़ोन कर सको वांगी स्थिति है न, हमेशा ब्लड बैंक फुल रही है। हमारे फेसबुक से और हमारे एक्टिव होने से मामलों हो रहे हो कि चूरू का युवा जागरूक हो गया और मैं एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करायो सगला एकजुट होकर मानव सेवा में अपनो काम कर रहे हैं। तो थारो व्यवसाय है जी को बताया जावे कि साइकिल को काम कुछ करो थे तो बैंक ही रहेंगी तो एकदम फील्ड ही है बा अलग है, फिर ये फील्ड में आनगो या यहाँ मानवता निभागो क्या मनवाई? देखो हर आदमी को कोई ना कोई काम हो अपने की टाबरी पालने खातर कोई ना कोई न कुछ करना पड़े, तो भाई मेरो काम साइकिल व्यवसाय हो लेकिन आप सगड़ा इंसान आ हर आदमी काम करे इंसानियत भी में हो, जब मन वो फीलिंग आई कि भाई आप वो काम कर सका और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई और लोग तैयार आ तो मैं तो कुछ ही कौन करियो, मैं तो एक प्लेटफॉर्म कराए हो मतलब मानवता की चैन से चैन जुड़नो हो, बस मैं भी को एक माध्यम जरूर बनी हूँ। लेकिन चूरू जिले का युवा बहुत ही एक्टिव है मामले में थे, कोरोना काल में देखे होगा कि चूरू जिले का लोग कहीं आगे आगे लोगों की मदद कर रहा है। डरे कुछ लोग रक्तदान करने बांग लिए किए संदेश देना चाहोगा? देखो भाई साहब बात यह है कि 35 साल तक तो मैं भी डरिया करता हूँ, जब वो एक भावुकता को आयो सिस्टम और मैं बड़े गयो भावुकता में जोश में दियो, हालांकि थोड़ा सो मेरे भी दिक्कत हुई पर लेकिन जब मैं देखे ना
वापिस आयो तो मन यहाँ खुश होयो, मेरा घर का खुश होया। तो जिंदगी में पहली बार को चोखो काम करिए, घर का को सपोर्ट रहे हो, रिश्तेदारों को सपोर्ट रहे हो और शरीर भी मेरो मजबूत होयो। मेरे बहुत सी जो मान लो लोग डॉक्टर साहब से बात करी तो डॉक्टर साहब कहे कि खून देने से खून पतलो हो, हार्ट अटैक होने का कम चांस रहे और शरीर की बहुत सारी जो दूषित चीज़ें हुए पर निकल जावे। हमारे मेडिकल लाइन का सचिन जी जांगिड़ है जी का हमारी टीम का उपाध्यक्ष है। तो जी आज भी थारी टीम कोई जुड़ना चाहे या थारी टीम ब्लड खातर कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कैसे थारी टीम बैठे कि थारी व्यवस्था है बैंक खातर आम आदमी भी थारी टीम जुड़ सके। मार्गन सगड़ा आम आदमी जुड़ रहे हैं, हमारी टीम से जुड़ने के लिए कड़ा कोई ना आनो कौन पड़े, सोशल मीडिया पे कमेंट करना पड़े या माना व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़े कि भाई साहब मैं थारी टीम के द्वारा रक्तदान करना चाहूँ। डेली का मार्गन 4-5 मैसेज आवे और जो हम चूरू में एक नई चीज़ चाल गई कि कोई को जन्मदिन हुए, कोई की पुण्यतिथि हुए, कोई को और शादी की सालगिरह हुए तो लोग कपल्स के जाके मतलब कहना मतलब लोगों में उत्साह है रक्तदान के प्रति। वो सब युवा जो आधारा इन्हें भी खड़ा है और माताओं आशीर्वाद है जो बरसा से काम कर रहे हैं जिके माने हमेशा मोटिवेट करते रहे अच्छे काम के लिए, इसलिए वो काम हो रही है। बात आ है कि अगर मान लो कोई 30 किलोमीटर से कोई महिला आई या कोई बच्चों आयो कोई बुजुर्ग आयो बिना बैठे ब्लड बैंक में जावर 5 यूनिट डॉक्टर ब्लड बता दे मैंने ब्लड चाहिए और भी कैसा एकलो हुए तो बड़ा ब्लड बैंक का जितना भी कर्मचारी है अधिकारी है वह हमारे ग्रुप से जुड़ रहा है। चूरू में 3 ब्लड बैंक है, तीनों का आदमी हमारे से जुड़ रहा है। बे अगर कोई यहाँ को ब्लड हो जिको जो दुर्लभ हो ब्लड बैंक में नहीं हुआ बी की डिमांड भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ब्लड बैंक का कर्मचारी और अधिकारी खुद डाल देवे। बी के अलावा जहाँ 12 खड़िया लोग हो या ब्लड बैंक का कर्मचारी है बे माना नंबर दे दे कि भाई तेरे सागे कोई नहीं है, आंटी जी थे एकला हो तो है आसिफ जी टिप्पू का नंबर है या किशोर जी चंदेल का नंबर है ना फोन कर लो। बच्चियां भी थारे साथ जुड़ी है, थारी की भूमिका रहे मैंने प्रेजेंट टाइम में। बिल्कुल मैं थाने बताना चाहूंगी कि मेरा नाम प्रीति है और मैं पहले से ही मतलब लोगों ने अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना को काम करती रहूं। तो सोशल मीडिया पर मैं जब भाई साहब अदमित भाई साहब की किशोर जी की आगे सबकी पोस्ट देखी तो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वो भी काम बहुत शानदार है कि लोगों की आपा ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सका। तो मेरा सोशल मीडिया पर काम रहो तो मैं भाई साहब से मतलब बोली कि भाई साहब मैं भी काम में किया मेरी भागीदारी दिखा सकूँ, मैंने भी कोई मौको दो। तो भाई साहब बोला कि थे अच्छो बोल सको, सोशल मीडिया अच्छो हैंडल करो तो थे वीडियो बना के मतलब थारा सागर जो युवा है बान मोटिवेट करो। तो मैं वीडियो वगैरह बना के मोटिवेट करके मतलब जो मेरा हम उम्र लोग हैं बात सबने मतलब इम ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिलाने के लिए अब मेरी भागीदारी दिखाऊं। कि जलको चूरू जो है वो धरातल से लेकर जो लोगों ने जानकारी देवे की जो भूमिका रवे है इसे मतलब ज़्यादा से लोगों ने शेयर करके मतलब मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं लोगों से ज़्यादा की चैनल की जानकारी पूछाऊँ। तो जी है जी का बता रहे हैं कि खुद भी पहली ब्लड देनू ड्रिया करता है के स्टोरी। तो जी 3 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है टाबरिया, बढ़िया काम कर रहा है और मैं आने मोटिवेट करता रहूं, बार बार मान भेजते रहूं, कोई न कोई मेरे किसे भी जुड़े जमान भेज दूं। और डर की जरतानी बात है ना जब तक 10 साल पहले मैं इन्हें ब्लड देने हॉस्पिटल ले गया तो मात्र डर के कारण ही इसका ब्लड लिया और ब्लड लेते ये बेहोश हो गया। डर के कारण ही हो गया बेहोश। बाकी अभी को डर निकल गया धीरे धीरे बढ़िया काम कर लिया, बहुत शानदार काम कर लिया। अब लोगों को भी मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है टीम के मैंने मारी है आप भूमिका रहे साहब है क्या जी मार्गन कोई डिमांड आ गई, डिमांड को मतलब जहाँ भोगतिया हॉस्पिटल आ रहा है या कोई भी लिख की देवे ना पर्ची ब्लड के लिए बिन बोला डिमांड ए बिजी हो है मैं हाँ फेसबुक पर कौन आवा गया बिन सिलेक्ट करके व्हाट्सएप पर और मैं कहते हैं भाई साहब कौन सा ग्रुप चाहिए क्या चाहिए तो सारी डिटेल भेज दो बेगे सारी मान डिटेल भेज दे भेजे बाद में मैं ये करा कि मैं ग्रुप में मैसेज करा एक मतलब कहे तो ग्रुप से खुद ही कोई आदमी बोल जाए भाई साहब मैं चल जाऊँगे मेरा ग्रुप ओ है अगर नहीं हुआ तो मैं अगर नंबर सेव कर रखा 4-5 हज़ार मोबाइल में ठीक है ना एक ग्रुप का बी ग्रुप का या बी नेगेटिव का भी हिसाब से तो मान सर फ़ोन करा मोटा मोटी बात है कि मैं फ़ोन करा ना फ़ोन करता ही भाई हो जाए यहाँ करता करता कि हमारी टीम बन गई बड्डी। मैंने इनके ग्रुप में ब्लड डोनेट करके आया तो मैंने मेरी फ़ोटो जो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाई तो जो मेरे फ्रेंड्स दोस्त थे ना तो उन्होंने वो मोटिवेट होके और मेरे को कमेंट करने लग गए कि भाई तू भी एक ग्रुप बना और अपन भी इन लोगों की मदद करेंगे। तो फिर मैंने अपना ग्रुप तैयार कर लिया, ग्रुप तैयार करके कम से कम भी 300 बंदे मेरे पास हो गए और जैसे ही अब अमजद भाई साहब के ग्रुप में डिमांड स्लिप आती है मेरा कोई डोनर अगर रेडी होता है तो मैं फट से अमजद भाई साहब को कॉल करता हूँ कि भाई साहब इस केस के अंदर मैं अपना डोनर भेज रहा हूँ और फिर मैं अपने डोनर को लेकर ब्लड बैंक पहुँच जाता हूँ और वो केस डन मैं करवा देता हूँ। मेरी टीम का नाम युवा रक्तवाहिनी है। मैं मुख्यतः एक अंदर देखूँगा जो भी डिमांड ग्रुप के अंदर आ रही है पहले भी को सत्यापन हो जावे क्योंकि बहुत से केस में मेद गए कि देखिए वहाँ के डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी उनको केस है
परिवार का 10 सदस्य बैठे हैं और कोई सो सुन के वह हमारे ग्रुप के अंदर डिमांड स्लिप डाल दे। मैं आ कोशिश करा कि पहले जो ब्लड डोनेशन है वो अपने परिवार का लोग करें, मैं इस चीज़ के लिए मोटिवेट करा वहाँ 10 में से 2 लोगों को ब्लड दिलावा। हाँ कोई चांस इसे आवाज जी में कि भी महिला को ब्लड ग्रुप है वो ब्लड बैंक में उपलब्ध को नहीं हुआ, तो मैं हमारे ग्रुप के अंदर से भी सेम ग्रुप को लड़कों ढूंढा और भी ना टाइम पर ब्लड बैंक भेजा। और जब भी ब्लड की जरूरत पड़े एक कैंप लगाऊं तो मैं 5-10 बंदा मेरा ला दूं और ब्लड दिलवा दूं वहां को। स्पेशल कवरेज ही टीम पर एक कवरेज पर थारा फीडबैक है जिसका के कुछ है जरूर बताओ कमेंट बॉक्स के द्वारा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करियो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइयो ताकि आगे जो वीडियो में नोटिफिकेशन थाने मिल जाए। जय चुरू, जय राजस्थान, जय हिंद।